वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, आलू की सब्ज़ी। टेस्टी तरीके से कैसे बनानी है अपने तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़्यादा, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि यहाँ पर कैसे बताऊँ। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले आलू को हम उबाल लेंगे, इतना पानी डालें कि आलू डूब जाएं। और जब तक आलू बन रहे हैं तब तक हम बाकी मसाले तैयार कर लेते हैं। जैसे प्याज को कद्दूकस कर लिया है, टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, अब लहसुन को किसी पत्थर से तोड़ना है। पहले तोड़ के तो इसकी कलियां खुल जाएंगी, फिर इसको धो के ये चट्टू बट्टे में कूट लेंगे, इसे पीस लेंगे। मिक्सी में भी कर सकती थी मैं। मिक्सी में क्या होता है कि ये जैसे लहसुन की ये जो कलियां हैं मोटी मोटी, ये कुछ लहसुन की कलियां रह जाती हैं, टुकड़ों में ही रह जाती हैं, और बाकी मसाला बिल्कुल एकदम से पानी पानी बन जाता है। प्याज और ये टमाटर बिल्कुल पानी से हो जाते हैं, लेकिन लहसुन की कलियां बीच में साबुत रह जाती हैं। इसलिए कुटे हुए मसाले जो पुरानी दादी नानी के नुस्खे हैं, तब तक चावल बन रहे हैं एक साइड से। ये देखें आलू उबल गए हैं, इन्हें अब छिलके उतार के छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। दो तीन सीटियों में आलू बन जाते हैं, अच्छे से गल जाते हैं। वैसे तो आलू जो होते हैं वो एक सीटी में भी गल जाते हैं, अगर ज़्यादा गलाने हों तो आप दो तीन सीटी लगा लें। ये अजवाइन डाली पहले, और ये भैंसा से पहले मैं लहसुन डालती हूँ सब्ज़ी में, इससे सब्ज़ी का फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और खुशबू बहुत बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी खुशबू, और लहसुन पक भी जाता है अच्छे से। ये तेल जो था मैंने पहले इसमें पूरियाँ बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि वही तेल मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं तेल को फेंकती नहीं हूँ, जैसे कि पूरियाँ तलने से थोड़ा आटा बीच में हो जाता है, तो उसके ये काले काले पीसेस जो बन जाते हैं ऐसे इकट्ठे होके, तो मैं वही तेल मैं यूज़ कर लिया फिर से तड़के में। तो अभी ये लहसुन जो है ज़्यादा मात्रा में है, एक ही थी, क्या बोलते हैं, एक ही था पीस लहसुन का, मतलब क्या बोले अब उसको, क्या बोलते हैं, ग्रुप, तो उसी को डाला है। देखें कितना ज़्यादा हो गया है। और जब ये लहसुन तेल छोड़ने लगे, पहले तो ये अगर फुल फ्लेम होगी तो जल जाएगा, थोड़ी कम फ्लेम ही रखें। फिर इसके बाद आप प्याज डाल सकते हैं, प्याज डाल दें। तो वैसे तो ये तीनों मसाले भी साथ में अगर मिक्सी में मैं पीस लेती ना, तो तीनों मसाले इकट्ठे डाल देती फिर मैं, लेकिन उससे फिर ये लहसुन की कलियां रह जाती साबुत मोटी मोटी, इसलिए। और साथ में दादी नानी के नुस्खे जो हैं पीस के, और ये कद्दूकस करके, इसका एक अपना ही टेस्ट है। कद्दूकस करने का फ़ायदा ये है कि देखें ये थोड़ा दरदरा सा मसाला है, और थोड़ा सा दिखेगा भी कि हाँ कि बीच में कुछ डाला गया है सब्ज़ी के। और जिस सब्ज़ी में कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी होती है, तो वो भी ठीक होती है, लेकिन ये जिसमें मसाले दिखते हैं ना, वो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। इसलिए इस तरह से अगर आप टमाटर और प्याज को कद्दूकस कर लें, लहसुन को कूट लें चट्टू बट्टे में, तो इसका टेस्ट उसके मुकाबले में ज़्यादा होगा। आप इसे भी एक बार परख लीजिएगा, ऐसे करके भी देख लीजिएगा। ये मैं डाला है, इसमें नमक डाली है, गरम मसाला थोड़ा सा, ये लाल सूखी मिर्च और लाल कश्मीरी मिर्च, और थोड़ी सी जो कड़वी मिर्च होती है पाउडर वाली, थोड़ी सी डालनी है क्योंकि मिर्ची मिर्ची हो जाएगी नहीं तो। अभी हमने ग्रीन चिल्ली भी डालनी है लास्ट में, बाद में, ताकि उसकी खुशबू बनी रहे, इसमें नहीं डालनी है वो। अगर ग्रीन चिल्ली यहाँ पे डाल दी तो वो थोड़ा सा ऐसे कलर भी चेंज हो जाएगा, और थोड़ी सी ऐसे उसका टेस्ट फ्लेवर भी, इतना खुशबू भी नहीं आएगी, उसको लास्ट में हम डालेंगे।
ये देखें, अगर मसाला ऐसे लगने लगे बर्तन में तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर भी पकाने हैं अब। तो इसमें भी जैसे आपको लगे कि टमाटर जो है वो ये तड़का जो है जलने को आया है, नीचे लग रहा है, तो आप इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मुझे जैसे कि ये लग रहा है कि थोड़ा सा मसाला ज़्यादा है और तेल थोड़ा कम है, तो नीचे लगने लगेगा। फुल फ्लेम की है मैंने, तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है इसमें। तो अगर आपको जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो आप क्या करें कि फ्लेम को फुल ही रहने दें और पानी वगैरह डालते जाएँ थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल, तो इससे भी मसाला जो है वो जल्दी से पक जाता है। देखें कितना अच्छा मसाला है, कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी घनी घनी सी। तो आप इसमें आलू डालेंगे, जब आप सूखे आलू भी बना सकते हैं, सूखे आलू भी खा सकते हैं सिर्फ ये मसाले वाले चाहें तो। फिर आप उसके बाद तरी भी डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ी गाढ़े गाढ़े से बनाने हैं ग्रेवी। और ये एक ही सब्ज़ी जो आलू की होती है, ये दो टाइप की बन जाती है एक ही समय में। इसमें आप सूखे आलू डाल के पहले सूखे आलू भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद सूखे आलू निकाल के फिर उसकी तरी भी निकाल सकते हैं, तरी भी डाल सकते हैं सॉरी, जितनी आपको चाहिए। पतले करने हैं पतले, ज़्यादा पानी डाल लीजिएगा अगर आपको गाढ़े गाढ़े रखने हैं तो, कम पानी डालिएगा। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं सूखे आलू जो हैं वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे इतना बोलना भी नहीं आता। तो ये देखें सूखे आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। इसको चपाती के साथ खाएं, साथ में दही हो तो फिर क्या बात है। थोड़ी सी मैं सूखी निकाल लूँगी और बाकी आलू में तरी डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी, थोड़े तरी वाले बना लूँगी और थोड़े सूखे निकाल लूँगी। देखें मैंने सूखे आलू भी निकाल लिए हैं, इसको आप बिना चपाती बिना चावल के भी खा सकते हैं, और चपाती के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये सूखे आलू को भी आप दही के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको चावल के साथ खाने हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, और गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बना लें इसकी। चावल के साथ भी बहुत बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले गए हैं इसमें। तो अब जैसे ही पानी थोड़ा सा ये उबलने लगे ना, तो तभी आपने जो ग्रीन चिल्ली है, हरी मिर्च है, वो बारीक बारीक कुतर के इसमें डाल देनी है। हरा धनिया हो तो फिर उसको भी डाल दीजिए, जब उबलने के बाद नहीं है तब भी ये बहुत ही स्वाद बनते हैं। हरी मिर्च उसके बदले में हरी मिर्च डाल दीजिए, वो बहुत अच्छी लगती है। जब थोड़ी सी सब्ज़ी उबलने लगे, तरी वाली कोई भी हो सब्ज़ी, तो उबलने के बाद ही थोड़ा सा उस
उसमें हरी मिर्ची बाद में डालें। इससे क्या होता है कि हरी मिर्ची का जो कलर होता है वो एज इट इज़ सेम ही रहता है, हरा ही रहता है। तो देखने में देखें कितना अच्छा लग रहा है, धनिया का काम कर रही है, लग रहा है कि धनिया डाला हुआ है ग्रीन ग्रीन सा। और इसकी ऐसे कच्चेपन में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, जब ये सब्ज़ी जो है अच्छी तरह से उबलने लगेगी तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और उसी खुशबू का सेम फ्लेवर सब्ज़ी में भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये रेसिपी तैयार है और इसको अच्छे से उबलने दें, जितना ग्रेवी आपने रखनी है जितना आपने इसको उबलने देना उतना उबलने दें अपने हिसाब से। और बहुत 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 ही ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।